एक बार हमने आपको एक कहानी बताई थी और भगवान की दया से आप सब भूल गए हो। हर चीज उसकी दया से ही हो। कहानी ये थी कि सिस्टर को, बहन को, उसके छोटे भाई को सुलाना था। उसके माँ ने कहा कि इसको जरा सुला देना, रो रहा है। उसने उस बच्चे को लिया, इधर उधर घुमाया, गाय दिखाई, घोड़ा दिखाया, गधा दिखाया, कार दिखाई, और बच्चा रोते रोते धीरे धीरे सो गया। ये होने के पश्चात मैंने उसको पूछा कि तुम क्या कर रही थी। बोले कि कुछ दिन हाँ मिली, वो रो रहा था तो उसको मैं सुला रही। तो हमने कहा कि मुझे लगा मैं ही झूठ बोलता, तुम भी खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रही। तुमने सुलाया कहा उसको? तुमने तो उसको दिखाया कि ये गाय है, ये कौवा है, ये घोड़ा है, ये घड़ा है, सुनाया कहा? तो किसी लड़की 8 साल की तो वही हमारा धर्म है, लोगों को कंफ्यूज करके छोड़ देना। फिर उसने मुझे ज्ञान दिया, पूछा स्वामी जी आपको छोटा बच्चा है क्या? नहीं। छोटा भाई है क्या? नहीं। फिर आपको नहीं समझ में आता क्यों? मैं उसको सुना रही थी। देखो गाय दिखाने का प्रयोजन गाय दिखाना नहीं था, कौवा दिखाने का प्रयोजन कौवा दिखाना नहीं था, प्रयोजन था कि वो बच्चा जो रॉन्ग चैनल में गया हुआ था, गैं, उससे तोड़ करके उसको सुलाना था। यही बात चाहते हैं। हम जब गलत प्रश्न पूछते हैं, गलत प्रश्न कैसा शुरू होता है? क्यों से लोगों की बीबियां इतनी अच्छी होती है, स्वामी जी मेरी बीबी अच्छी क्यों नहीं है? तो उसका उत्तर क्या देंगे महात्मा लोग? देखो तुम्हारे पिछले जन्म का जो प्रारब्ध कर्म है वो पत्नी के रूप में प्रकट हो गया और हमने उसको मान लिया। प्रयोजन क्या है? बच्ची को सुनाना है कि गाय घोड़ा दिखाना है? प्रयोजन ये है कि आप एक अखंड सत्ता हो, ये प्रयोजन। तो पिछले जन्म में भी हम थे, इस जन्म में हम है, अगले जन्म में भी हम रहेंगे, तो हमारा जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु का सवाल कहाँ है? तो ये जो प्रारब्ध का सिद्धांत है ये मूर्ख प्रश्नों का मूर्ख उत्तर है, इसमें कोई दम नहीं। इसलिए यहाँ भगवान शंकराचार्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, अज्ञानी जन बोधार्थम प्रारब्धम भक्ति वैशति। अज्ञानी जन बोधार्थम, बेवकूफों को समझने समझाने के लिए, अज्ञान शब्द का प्रयोग करके किसी को कहो कि तुम अज्ञानी हो तो अज्ञानी होगा तो उसको समझ भी नहीं आएगा अज्ञानी का क्या अर्थ है, वो सोचेगा। लेकिन उसको कहो बेवकूफ तो कौन समझ में आ गए? प्रयोजन क्या है? तो अज्ञानी जन बोधार्थम प्रारब्धम भक्ति वैशति। श्रुति माता प्रारब्ध यह जो प्रसंग शास्त्र में है इसका प्रयोजन है कि हम ये समझे कि हमारा ना तो कभी जन्म हुआ है, ना तो कभी हमें कोई परिवर्तन हुआ है, ना तो कभी हमारा मृत्यु हुआ है, ना तो हमारा कभी अभाव हुआ है। और इसीलिए कहते श्री अंते जास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे बहुत्वं तन्निषेधात्मं श्रुत्या गीतं जयस्कृतम्। इसलिए बुद्ध को उपनिषद में जो कहा है, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब इस तत्व को हम ठीक से पहचान लेते हैं, सब कर्म का चक्कर हमेशा ही देख रहे हैं।